अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं और बारी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स मजीद एसआरए यानी कि स्टेडियम रोड कॉलेज जो है उसका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो प्रीलियम पेपर हुआ है 2022 में उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। 33 एमसीक्यूज हैं और अच्छी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह और एमसीक्यूज भी अच्छे हैं। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन वन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। नंबर वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओ एफ टू के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए जो सिंपल सी लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं कि टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात कन्फर्म है, फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो माइनस वन होती है। एक्स हमें मालूम करना है जो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस फ्लोरीन का माइनस वन होता है, तो ये माइनस वन आ गया और दो फ्लोरीन है तो यहाँ पर आ जाएगा टू। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो और इसको रीअरेंज करेंगे तो x बराबर आएगा प्लस के टू के, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वैसे नेगेटिव में होता है बट यहाँ पर पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू प्लस का टू। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पी ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे रहते हुए पी और वी के दरमियान में यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ बनाया गया है, यानी कि पी वी डायग्राम बनाई गई है। पी लिया गया है एक्स एक्सिस में और वी को लिया गया है वाई एक्सिस में। तो सबसे पहली बात यह है कि ये और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो ये बात हो रही है बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ का ग्राफ एक कर्व बनता है और इस कर्व का एक खास नाम होता है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब हो गया आइसोथर्म। तो बेसिकली ये कर्व है और इस कर्व का नाम क्या होता है, इस कर्व का नाम होता है आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम एंड नॉट ऑन देयर नेचर। नेचर पर डिपेंड नहीं करती प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं, तो बेसिकली वो कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करती बल्कि नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूट के उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो राइट आंसर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर फोर, द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज कॉल्ड। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटम नंबर होता है, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को दूसरे लफ्जों में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि शेप कौन सी है, क्या वो स्फेरिकल है, क्या वो डंबल शेप है, तो वो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से पता लगता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो याद रखो, एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे वो अकोमोडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और बी भी एक रिएक्टेंट है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बी इन दिस रिएक्शन। अब देखो, जो हम रेट बनाते हैं वो बेसिकली क्या लिखते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, ए भी लिखते हैं बी भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप इस एक्सप्रेशन के अंदर देखो बी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। बी लिखा हुआ नजर ना आने का मकसद सिर्फ इतना ही हो सकता है कि बी की पावर जीरो है, और बी की पावर जीरो होने का मतलब हो गया कि जो ऑर्डर होगा बी का इस रिएक्शन के अंदर वो बराबर होगा जीरो के, ठीक है ना। वरना तो अगर वन ऑर्डर होता तो बी लिखा हुआ होता, टू होता तो बी का स्क्वायर लिखा हुआ होता, नहीं है। दैट्स वाई जिस चीज की पावर जीरो होती है वन हो जाता है, तो यहां पर वन नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर सेवन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो देखो, कितना वॉल्यूम कोई गैस ऑक्यूपाई करती है वो डिपेंड करता है कि उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हमें 16 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। O2 का मतलब होता है 32, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है, मास है 16, मॉलिक्यूलर मास होता है 32, आंसर आ जाएगा 0.5। अब याद रखिए, एक मोल अगर होता है तो वो 22.4 dm³ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ये आधा है तो यकीनन जो होगा वो होगा 0.5 इंटू कितना है 22.4, यानी कि बराबर आ जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है ना। तो आधा मोल इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है चाहे वो किसी भी गैस का हो।
एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव इज। एम्पेरिकल फार्मूला बेसिक सिंपलेस्ट रेशियो बताता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन एक दो तीन, कार्बन कितने हैं, कार्बन तीन है, कार्बन तीन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक दो, ऑक्सीजन दो हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तीन और पाँच, हाइड्रोजन हो गए आठ, ठीक है। तो अब इसका जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, अच्छा एक मिनट, कार्बन दो तीन चार, सॉरी मैंने तीन लिख दिया इधर, चार है, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगा, इसको डिवाइड बाय टू कर दो हर एक को, तो हर एक को डिवाइड बाय टू कर दोगे तो ये हो जाएगा सी टू ओ हो जाएगा और एच हो जाएगा फोर। तो सी टू एच फोर ओ, सी टू एच फोर ओ यानी कि दिस वन। क्वेश्चन नंबर नाइन, पाउडर्ड जिंक रिएक्ट्स मोर रैपिडली विद वाटर देन द चंक्स ऑफ द मेटेलिक जिंक। चंक से बेहतर जो पाउडर्ड फॉर्म होती है वो क्यों रैपिडली रिएक्ट कर देती है। बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ये है कि सरफेस एरिया ऑफ जिंक बढ़ जाता है, इस वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू द चंक्स ऑफ मेटेलिक जिंक। क्वेश्चन नंबर टेन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट आर ऑफ द ऑर्डर। तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट्स वाई उनका जो ऑर्डर होता है वो जीरो ऑर्डर होता है। तमाम के तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनका ऑर्डर जीरो होता है, तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, फोर और फोर तो सिग्निफिकेंट हैं, ये दोनों जीरोस डेसिमल मौजूद है और राइट साइड पर हैं तो ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक दो तीन, यहाँ पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। जीरो से सिग्निफिकेंट है, सिक्स और टू के दरमियान में आ रहा है और एक्सपोनेंट्स तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट हैं, जीरो राइट साइड वाला तब होता सिग्निफिकेंट जब पॉइंट लगा होता, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे भी फोर और नाइन है, सिर्फ और सिर्फ दो। तो क्वेश्चन ये था तीन सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर हैं तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज़्यादा हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने मोल हैं, ये जो ग्राम है वो कितने मोल के बराबर है, यानी ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, मीथेन के कितने मोल हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं और अमोनिया के कितने मोल हैं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। सल्फर का हो गया 32 एटॉमिक मास और ये हो गया ऑक्सीजन का 32, तो ये हो गया मास ओवर मॉलिक्यूलर मास 64 डिवाइड बाय 64 एटॉमिक, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो भी 64 है, इसका मतलब ये एक मोल है, ठीक है। इधर आके देख लो मीथेन के कितने हो गए, मीथेन का हो गया 12 और 4 16, तो ये हो गया मास ओवर मॉलिक्यूलर मास 16, तो 16 16 और ये हो गए दो मोल के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे इसके दो मोल हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हो गया कितना, ऑक्सीजन का हो गया 16 और 16 32, तो ये भी एक मोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए मीथेन में, तो ये हो गया 14 और 17 17 डिवाइड बाय 17, ये भी बराबर हो गया एक मोल के। तो ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, तो ज़्यादा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो दो मोल ऑफ मीथेन में होंगे, यानी कि 32 ग्राम मीथेन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। द वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 क्या यूनिट होता है आगे। तो देखो बेसिकली जो हम यूनिट निकालेंगे, आर की वैल्यू अलग करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो पी वी डिवाइड बाय एन टी हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर यानी कि ए टी एम, वॉल्यूम यानी कि डी एम क्यूब, नंबर ऑफ मोल और फिर टेम्परेचर यानी कि केल्विन। तो आप ये देखो कि जो तीनों के तीनों ऑप्शन लिखे हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, मोल केल्विन, इधर मोल केल्विन आगे पीछे करके लिख दिया, तो बेसिकली सारे के सारे जो है वो यूनिट हैं इस गैस कॉन्स्टेंट के। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कौन से क्रिस्टल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं पिघले हुए स्टेट में लेकिन सॉलिड में नहीं करते, तो याद रखो उन्हें आयनिक क्रिस्टल्स कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स हैं कि उसके अंदर देखो आयंस के अंदर जो है ना मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस वो अपनी जगह पे हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो कंडक्शन नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट में आते हैं तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं और जो मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में आसानी देते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल्स वो हैं जो मोल्टन स्टेट के अंदर कंडक्शन कर सकते हैं।
डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 400 केल्विन 3.5 एटमॉस्फेयर इज। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी के लिए पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, ठीक है जी। और एक मोल की बात हो रही है, जाहिर सी बात है अगर हम मीथेन के एक गैस एक मोल की बात कर रहे हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी करेंगे तो वी बराबर आएगा, वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या बनेगा यहाँ पर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो देखो एन आर टी ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन आर टी ओवर पी, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम मालूम कर लेंगे इसका वॉल्यूम। हमें क्या पता है, हमें पता है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हमें पता है वैल्यू ऑफ क्या प्रेशर, और नंबर ऑफ मोल एक है, ये हो गया 0.082, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है, प्रेशर है 3.5, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास कितना 9.38, ठीक है 9.38 आ गया वॉल्यूम। अब डेंसिटी मालूम करनी है तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीथेन का मास कितना होता है, कार्बन का हो गया 12 और 4 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 9.38 जो कि उसका वॉल्यूम आया है, हम डेंसिटी मालूम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 9.38, ये बराबर आ जाएगा 1.7, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.7 ग्राम पर dm³। नंबर 16, नॉन वेटिंग लिक्विड्स फॉर्म, जो नॉन वेटेड जो कि गीला नहीं करते, जैसे कि मरकरी जो सरफेस को गीला नहीं करते, वो कौन सी मेनिस्कस फॉर्म करते हैं, तो याद रखिए वो लिक्विड जो कि गीला कर देते हैं सरफेस को, जिस कंटेनर में होते हैं उनमें जो है ना इस किस्म का होता है, अगर मैं वाटर फिल करूँगा ना तो वो इस किस्म का मेनिस्कस शो करता है जिसे कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। जबकि अगर मरकरी को फिल करते हैं तो मरकरी नॉन वेटिंग होता है, मॉलिक्यूल्स की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, तो वो इस किस्म की शो करता है, ये कहलाता है कॉनकेव और ये कहलाता है कॉन्वेक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो नॉन वेटिंग होते हैं, और जो वेटिंग होते हैं उनके लिए कॉनकेव आना चाहिए। नंबर 17, द लॉ विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड प्रेशर, और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाता है। गैसेज बिकम आइडियल एट, जो गैसेज हैं वो आइडियल कब बन जाती हैं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। सो ऐसा पॉसिबल होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। जब हाई टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है तो गैसेज जो है वो बिहेव करती हैं आइडियल गैसेज की तरह, यानी कि आइडियल हो जाती हैं बेसिकली। विच गैस डिफ्यूज एट द हाईएस्ट रेट, कौन सी जो गैस है वो हाईएस्ट रेट पे डिफ्यूज होती है, तो बेसिकली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली किस पर डिपेंड करता है, वो इन्वर्सली डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया, ऑक्सीजन के लिए आ गया 32, और अमोनिया के लिए कितना आ गया, अमोनिया के लिए आ गया 17, और अगर इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो 12 और 16, ये हो गया 44, और नियॉन के बारे में अगर बात की जाए तो नियॉन का होता है एटॉमिक मास 20, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सबसे कम जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम किसका आ रहा है, अमोनिया का, दैट्स वाई अगर मॉलिक्यूलर मास इसका कम आ रहा है तो इसका जो गैस की डिफ्यूजन होगा वो भी हाईएस्ट रेट पर होगा। नंबर 20, या प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम, प्रेशर कुकर के अंदर खाना क्यों जल्दी बन जाता है, क्यों कुकिंग टाइम कम हो जाता है, हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लार्ज फ्लेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड रिड्यूस हो जाता है। तो याद रखिए इस केस के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो नतीजे में जो खाना है वो जल्दी बन जाता है, यानी कि कुकिंग टाइम कम हो जाता है। नंबर 21, एफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैसेस थ्रू वेरी स्मॉल होल, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं उनसे जब एस्केप करती है गैस तो उसको कहते हैं एफ्यूजन, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद हीटिंग प्रेशर वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर को बढ़ाने की वजह से, अभी हीटिंग वगैरह वॉल्यूम वगैरह ये तो बात है ही नहीं, बेसिकली अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे लिक्विड के ऊपर तो नतीजे में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है जी। NaF एंड MgO shows, ये इन दोनों का एक ख़ास बात ये है कि ये जो सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें जो है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ये दोनों जो है वो सेम शेप वाले होते हैं, सेम शक्ल वाले होते हैं, आइसो मीन्स सेम और मॉर्फ मीन्स उसकी जो हालत है, जो शक्ल है, दैट्स वाई हमने आंसर लिखा आइसोमॉर्फ।
सोडियम प्लस वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम के पास होते हैं बेसिकली 11 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना। क्यों, हमें कैसे पता चला एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ? एक प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल इसके अंदर अभी फिलहाल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें से किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पोटेशियम भी नहीं हो सकता, ये भी दूर है, फ्लोरीन भी, नियॉन। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो नियॉन जो है वो बिल्कुल सोडियम से पहले आ रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि जब फर्स्ट सेकेंड पीरियड हमारा खत्म होता है तो वो नियॉन पे खत्म होता है, और जो नेक्स्ट आता है वो बेसिकली सोडियम आता है। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। 2B ऑर्बिटल हैज, जो 2P ऑर्बिटल होता है उसके एक क्वांटम नंबर देख लो, 2N को शो करता है और ये P जो है वो L को शो करता है। तो N में तो 2 आना चाहिए और 2 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। S के लिए L की वैल्यू 0 के बराबर होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली हमें P को देखना है ना, तो इसका मतलब N बराबर होगा 2K और L बराबर होगा 1K, 2K और L बराबर होगा 1K। नंबर ये आ गया 26। इफ एल इज इक्वल टू 1 देन द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज, अगर एल इज इक्वल टू 0 होता तो वो स्फेरिकल शेप हो जाती, एल इज इक्वल टू 1 है तो डम्बेल शेप बनती है, ठीक है ना। एल इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल आर ऑलवेज इन डम्बेल शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल और प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द कन्फिग्रेशन, यहाँ पे कौन सी कन्फिग्रेशन गलत हो रही है? 1s2 तो सही है, 2s3 नहीं हो सकता, 2s2 हो सकता है, ठीक है ना। और ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर मैं सिंपल लफ्जों में बताऊँ तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो उनका स्पिन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। नंबर 28, सनलाइट गिव्स विच स्पेक्ट्रम, सनलाइट जो है वो बेसिकली वाइट लाइट होती है, जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रा नहीं होता, डिसकंटिन्यूस नहीं होता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 डायपोल मोमेंट, इसमें से किसकी डायपोल मोमेंट 0 होती है? तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना, वो इस एंगल पे अरेंज हुए होते हैं कि वो एक दूसरे की जो डायपोल मोमेंट होती है उसको जीरो कर देते हैं। नंबर 30, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइन, इथाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? तो देखो ये आ गया कार्बन, 2 कार्बन होने चाहिए और फिर 2 हाइड्रोजन, ये तो हो गए जो बॉन्डिंग होगी हमारे पास सिग्मा वाली। अब बाकी के जो बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, 1-2 इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड ना, कार्बन के 4 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड आ गया, और पहला वाला कार्बन का सिग्मा बॉन्ड आ गया। 3 सिग्मा बॉन्ड है और बाकी जो 2 बचे वो हैं पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। यस। नंबर 31, द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल बेसिकली एंगुलर शेप में होता है या बैंड शेप के अंदर होता है H2O का मॉलिक्यूल। नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से मीथेन नहीं, इसमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड फाइनली बॉन्ड एंगल इन मीथेन मॉलिक्यूल इज, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड मॉलिक्यूल होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? सो इट इज इक्वल टू 107 डिग्रीज, ठीक है जी। और बाकी आ गया हमारे पास ये सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये पूरा का पूरा मैं PDF में अपलोड कर दूंगा। अगर किसी स्पेसिफिक सेक्शन बी या सी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझे बताना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वादा नहीं कर रहा, कोशिश करेंगे उसको अपलोड करने की। बट फिलहाल बारी है इन 33 MCQs की, बेहतरीन किस्म की प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना, और कोई परेशानी है तो लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।